नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भाई 2022 का बीकॉम सेकंड ईयर का, यहां पर होता है पब्लिक फाइनेंस का मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो आज भी आपके लिए हो जाता है मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यहां पर जो 2022 में आपके छपते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, बाकी क्वेश्चनों पर फोकस नहीं देना है। तो मॉडल पेपर आपके सामने है भाई, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर 2022 अपना ये हो जाता है, 2022 का मॉडल पेपर रहने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हमारे एग्जाम में छपते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, नोट्स डाउनलोड करना है, तो कहां से करेंगे भाई? डिस्क्रिप्शन दे रखा है लिंक, वहां जाके नोट्स डाउनलोड करना है बीकॉम सेकंड का पब्लिक फाइनेंस का। और क्वेश्चन यहां देखना है कौन कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपता हुआ मुझे दिख रहा है और आपको भी दिखेगा, ठीक है, बात करते हैं कर क्या है, कर क्या है, प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष करों से आप क्या समझते हैं, इनके गुण और दोष के बारे में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में छपता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभावों तथा उसके उत्पादन का वर्णन करना है, किसके, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव और इसके उत्पादन का वर्णन कर दो, फटाफट छपने वाला एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखें राजस्व की परिभाषा, राजस्व की परिभाषा, इसकी प्रकृति तथा इसके विषय क्षेत्र और महत्व के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, बात करते हैं सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त समस्याएं, सार्वजनिक वित्त तथा निजी वित्त जो होता है उसकी समानताएं बताना है, उसकी असमानताओं का भी आपको वर्णन करना है। समानताओं का वर्णन करो और असमानताओं का वर्णन करो, अंतर भी पूछ सकता है, तो अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला हो जाता है मॉडल पेपर का, बात करते हैं अधिकतम अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। जो अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत है उसकी व्याख्या करो तथा करों के उत्पादन तथा वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आपको क्या करना है भाई, उल्लेख करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्या रहने वाला है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक व्यय है क्या और एग्जाम में छप रहा है। आधुनिक युग के सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के आपको कारण बताना है, कौन कौन से हो जाते हैं, हेडिंग डालकर लिखना, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनर के सार्वजनिक व्यय, जो बैगनर है उसके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांतों की आपको क्या करना है भाई, व्याख्या करना है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांतों की व्याख्या करना है, किसके अनुसार, बैगनर के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या देखने को मिलने वाला है, मतलब छप रहा है तो देख रखा है तुम्हारा, हिनार्थ प्रबंध से क्या समझते हैं, जो हिनार्थ प्रबंध है उससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है, इसकी विधि उद्देश्य गुण और दोष के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो वह दे रखा है अपना देश की अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक ऋण प्रभावों का वर्णन आपको करना है, मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सार्वजनिक ऋण के जो प्रभाव पड़ते हैं उनका क्या करना है आपको, वर्णन करना है भाई, छप रहा है एग्जाम में। ठीक है, पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखा है सार्वजनिक ऋण क्या है, सार्वजनिक ऋण जो है वो है क्या, इसके उद्देश्य महत्व की विवेचना भी आपको करना है, उद्देश्य के और महत्व के बारे में भी आपको बताना है, विवेचना करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बजट क्या है, बजट है क्या, भारत में बजटीय प्रक्रिया की विवेचना कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, छप रहा एग्जाम में, देख लेना, मिलेगा देखने के लिए। आगे देखा है भारतीय कर प्रणाली के गुण दोष बताते हुए अच्छी कर प्रणाली के निर्धारक जो हो जाता है ना, निर्धारक तत्वों की आपको क्या करना है भाई, विवेचना करना है। भारतीय कर प्रणाली के गुण दोष बताइए, बताते हुए अच्छी कर प्रणाली के निर्धारक तत्वों की क्या करना है, विवेचना करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप रहा है, देखने को मिलेगा 2022 के एग्जाम में आपके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मॉडल पेपर का, लोक वित्त क्या होता है, लोक वित्त है क्या, इसका क्षेत्र बताइएगा, राजकोषीय नीति व इसकी विशेषताएं भी आपको यहां पर बतानी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में छपते हुए दिख रहा है मुझे और आपको भी देखने को मिलेगा 2022 में, तो ये दे रखा है तुम्हारा उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं, बजट घाटे के बारे में बताना है, उत्कृष्ट वस्तुएं क्या होती हैं और राजकोष के घाटे में आपको अंतर बता देना है, बजट घाटे और राजकोष घाटे में क्या करना है भाई, अंतर बताना है, एग्जाम में छप रहा है, देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का होता है, सामाजिक वस्तुएं व निजी वस्तुएं में आपको क्या करना है,
अंतर बताना है, ठीक है, सामाजिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में क्या बताना है भाई, अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामाजिक व्ययों में वृद्धि के कारण क्या हो जाते हैं, सामाजिक व्ययों में वृद्धि के कारण बताना है। तक कर की भी आपको क्या करना है, विशेषताएं बतानी है। आगे देखेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को क्या उचित कार्य हैं, जो सॉरी वृद्धि के जो उचित कार्य हैं उनके आपको बताना है क्या हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखेगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, भारत ऊपर वाला है, नीचे देखिएगा कर तथा कीमत में अंतर आपको बताना है, कर और कीमत में आपको अंतर बताना है। मूल्य विधि जो BAT है वह है क्या, मूल्य विधि है क्या, इसका लाभ भी आपको बता देना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन हो जाता है वो कौन सा रहने वाला है, यहां देखिएगा कराघात तथा करापात क्या होता है, कराघात तथा करापात में आपको अंतर बताना है तथा कर विवर्तन की विशेषताएं भी आपको बताना है, एग्जाम में छप रहा है देखने को भाई मिलेगा 2022 में। आगे देखिएगा वित्त आयोग क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, लोक आगम से आप क्या समझते हैं भाई, छप रहा है देखना मिलेगा देखने को ये, तो ठीक है 100% मिलने वाला है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है निष्पादन बजट से आप क्या समझते हैं भाई, निष्पादन जो बजट है उससे आप क्या समझते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन आपको याद करना है, 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर इतने क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो 2022 में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता आपके लिए। तो फ्रेंड्स क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, घंटे को बजा देना है, तोड़ फोड़ कर देना है, ठीक है, और लाइक को कर देना है खड़ा। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़ फोड़ दो, ठीक है, और इसके ले लो सभी लोग स्क्रीनशॉट, इसके क्या ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ऊपर कर रहा हूं मैं बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, उसके बाद क्या करना है बुक पर लगा लो और यही क्वेश्चन रटना है बस, बाकी क्वेश्चनों पर फोकस ही मत देना, इतने क्वेश्चन पढ़ लेना समझ लो नैया पार हो जाएगी, 2022 के टॉपर बन जाओगे। तो फ्रेंड लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अब, जय हिंद जय भारत।